हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रेसिपी है बहुत ही कलरफुल है, जो है इडली जेम्स या फिर रेनबो इडली भी इसको आप बोल सकते हो। बहुत ही हेल्दी है, कलरफुल है, बट हमने इसमें किसी भी आउटसाइड कलर का हमने यूज़ नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा जो टेस्टी इडली है वो है हमारी आज की स्पेशल इडली, मिंट और कॉर्न इडली। इसके लिए मैंने पुदीना की पत्तियाँ ले ली हैं और एक हरी मिर्च डाल ली है और थोड़े से कॉर्न मैंने निकाल के डाल दिए हैं। कॉर्न को उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो इन तीनों का हमें पेस्ट बनाना है हरे कलर की इडली बनाने के लिए। नमक थोड़ा सा टेस्ट अनुसार डाल दीजिए, क्योंकि हम इडली के बैटर में भी थोड़ा नमक डालेंगे, तो ज़्यादा नमक ना डालें। तो अब देखिए, मैंने ये प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची को अच्छे से चॉप कर लिया है। देख सकते हो आप, पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम इससे बनाएंगे अपनी ग्रीन मिंट वाली इडली। अब हम सेकेंड इडली की प्रिपरेशन करते हैं, जो हमें बीट रूट एंड चुकंदर को पीस करके बनानी है। हमने एक बीट रूट लिया है और उसको एक हरी मिर्च डाली है थोड़ा सा तीखापन देने के लिए। नमक थोड़ा सा डाल लें और इसका भी पेस्ट अच्छे से रेडी कर लें। थोड़ा सा पानी डालें, वरना इतना वो अच्छे से पीस नहीं पाता है। लीजिए, रेडी हो गया हमारा रेड कलर। अब हमें चाहिए इडली बैटर, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरी एक वीडियो है इडली की, उसमें आप देख सकते हो कि इडली बैटर को मैंने कैसे बनाया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अब वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको सारे प्रोसेस समझ में आए। मैंने इडली का थोड़ा सा पेस्ट लिया, उसमें मैंने जो पेस्ट बनाया था ग्रीन कलर वाला मिंट से, उसमें मैंने इसको मिला दिया है। देखिए, बिल्कुल ग्रीन कलर, सुंदर सा ग्रीन कलर आ चुका है। और अब मैंने इसमें कुछ और डाला है, जैसे कि थोड़ी सी मिंट यानी पुदीने की पत्तियाँ, फ्रेश धनिया की पत्तियाँ, और थोड़ी सी प्याज चॉप्ड की हुई, थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ी सी एक डाल सकते हो आप लोग, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। अब हमें सेकेंड बैटर रेडी करना है। हमने फिर से दो स्पून, बड़ा स्पून भर के बटर लिया था। मैंने जो चुकंदर को पीसा था वो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है। चुकंदर का जूस नहीं बनाना है, जब ताकि इसमें अच्छे से फाइबर भी आ जाए और हेल्दी भी रहे, तो मैंने इसमें पूरा एज इट इज ही मिला दिया है। देखिए, क्योंकि मैंने अच्छे बढ़िया से बारीक करके पीसा था। अब मैंने थोड़ा सा बीटरूट का एक टुकड़ा कद्दूकस करा था, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, ताकि ये जब इडली बने तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आए और साथ ही हेल्दी भी बहुत हो। सो देख सकते हो आप, कितना बढ़िया पेस्ट एकदम रेडी हो गया है हमारे रेड कलर का। और अब हमने तीसरी इडली के लिए तैयारी की है, यानी कि हमने बनानी येलो इडली। मैंने इसमें हल्दी का यूज़ किया है दोस्तों, आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। हल्दी को थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला है, ताकि वो कच्चापन ना लगे। देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बन गया है। थोड़े से काले तिल का यूज़ किया है मैंने इसमें, थोड़ी सी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। अब हमने इडली मोल्ड को लिया है, अच्छे से ग्रीस कर लें सबसे पहले इसको, नहीं तो इडली चिपक जाती है। इडली कुकर में पानी बॉईल होने पहले ही रख दें, ताकि स्टीम बढ़िया बन जाए। अब जो कलर आपको चाहिए आपने मोल्ड में सारे कलर भर दीजिए करके, कुछ रेड, कुछ ग्रीन, कुछ येलो। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत ये कलर लग रहे हैं और बिल्कुल ओरिजिनल कलर है। हमने कोई भी सिंथेटिक कलर का यूज़ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि एकदम हेल्दी है ये, आप खुद भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। देख सकते हो मैंने कुछ वाइट इडली भी डाली है, ताकि एक सफ़ेद रंग की इडली भी रेडी हो सके। सो इसको रख देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए, इडली रेडी हो चुकी है, इसको निकाल दीजिए। सबसे पहले इन प्लेट्स को आप ठंडा कर लें, गर्म बिल्कुल ना निकालें, वरना ही टूट जाएंगी। ठंडा करने के बाद ही मैंने इसको निकाला है इस तरीके से, एक शार्प नाइफ की हेल्प से। सारी इडली बहुत ही स्पंजी, फूली फूली और बढ़िया टेस्टी बनी है। सो परफेक्ट बनी है दोस्तों। तो और सबसे बड़ी बात, जो ग्रीन इडली है वो गर्मियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमने उसमें मिंट लीव से और कॉर्न डाल के बनाया है। बहुत ही टेस्टी है, अगर आप बिना चटनी के भी उसे खाएंगे तो वो अपने आप में बहुत ही टेस्टी लगती है। सो आप ज़रूर ट्राई करें इस इडली को, बहुत टेस्टी है। अपने पूरे परिवार के साथ इसको शेयर करें, उनको खिलाएं। इस तरह से आप सारी इडली को जो अपने घर में रखी हुई चीज़ों से अच्छे से बना सकते हैं। बाहर का कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। देख सकते हो आप, हरी इडलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा ही रेड इडली चटनी का यूज़ किया है, कोकोनट का मैंने। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो चटनी मैंने आपको कैसे बनाई है। तो देखिए, इसकी रेसिपी मैंने अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कोकोनट लिया है फ्रेश, उसके बाद मैंने कुछ रोस्ट चना लिया है जो येलो कलर का मार्केट में आराम से मिल जाता है। सबसे पहले मैंने कोकोनट को बिना पानी डाले इस तरीके से ग्राइंड कर लिया था, टुकड़े रह जाएंगे, फिर से उसको चलाएं। उसमें आप चने और पुदीने की पत्तियां और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन यानी गार्लिक उसको डाल दें इस तरीके से, और हरी मिर्च कम से कम चार डालें, ताकि थोड़ी सी तीखी चटनी अच्छी लगती है। नमक टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। आप इन सबको एक बार ऐसे सूखा चला लें, पानी ना डालें। देखिए इस तरीके से, अभी देखिए उसमें सब कुछ साबुत बचा है तो, लेकिन ये थोड़ा पिस चुका है। अब थोड़ा पानी डालेंगे, लगभग आधा कप,
और पानी डालने के बाद हम इसको चला लेंगे। लीजिए रेडी अभी कोकोनट चटनी। आप डालेंगे बढ़िया सा तड़का, जिससे इस चटनी में और चार चांद लग जाएंगे। सो मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं थोड़े से, और थोड़ी सी ड्राई सूखी मिर्च और करी पत्ता। बस हो गया तड़का रेडी, और डाल दें इसके साथ। लीजिए चटनी तैयार है टेस्टी वाली, इसको इडली के साथ आप सर्व करिए। फ्रेंड्स, साउथ इंडिया की ये बहुत ही मशहूर रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।